सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक यूट्यूबर के लाइफ में 1K सब्स कितने मैटर करते हैं। चाहे वो एक बिगिनर यूट्यूबर हो, चाहे वो एक एक्सपीरियंस यूट्यूबर हो, बट उसके लाइफ में इनिशियल स्टेजेस में 1K सब्स कितना मैटर करते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सो हे गाइस, मेरा नाम है तन्मय और आप देख रहे हैं टेक मस्ती। गाइस, रिसेंटली मैंने 1K सब्स क्रॉस किए हैं एंड मैंने कुछ नोटिस किया कि 1K सब्स के बाद थोड़ा सा डिफरेंट लगता है यूट्यूब। एंड आज के इस वीडियो में मैं वही शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। सो मैंने तीन चार कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि 1K सब्स क्यों मैटर करता है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, जो है नंबर्स गेम। अब नंबर्स गेम क्या है, तो इमेजिन कीजिए कि आपने कुछ सर्च किया यूट्यूब पे एंड आपको वीडियो रिकमेंडेशन आई, एंड आप उसमें से भी आप देखोगे एज ह्यूमन मेंटेलिटी आप देखोगे कि व्यूज सबसे ज़्यादा किस वीडियो पे है। ठीक है, तो आप उस वीडियो पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद सबसे पहले काम आप जो करोगे वो है उसके सब्सक्राइबर्स देखना। इवन मैं भी यही करता हूँ, ट्रस्ट मी, सब्सक्राइबर्स देखना। अगर सब्सक्राइबर्स कम होंगे तो आप शायद उस वीडियो को देखोगे या आप वीडियो छोड़ के निकल जाओगे अगर कंटेंट अच्छा नहीं रहेगा तो, क्योंकि व्यूज़ आजकल आ जाते हैं बट सब्सक्राइबर्स आना उतना ईजी नहीं है। तो ये है नंबर्स गेम। एंड मैंने जब से 1K क्रॉस किया है, मैंने देखा है कि लाइक अगर 1K के पहले मुझे 5 दिन में 10 सब्सक्राइबर्स मिलते थे, तो अभी मुझे 2 दिन में 10 सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। मतलब नोटिसेबल चेंज मैंने यहाँ पे नोटिस किया है। एंड ये 1K होने के बाद, अब इसके बाद बात कहते हैं कि मोटिवेशन। अब देखिए, जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे व्यूज़ आएंगे, मोटिवेशन तो आता है कि कंटेंट क्रिएट करो, लोगों को अच्छा लग रहा है मतलब, और आप और ट्राई करोगे कि आप अच्छा अच्छा कंटेंट बनाओ। एंड वो एक चीज़ है जो मैंने अपने अंदर नोटिस की है 1K के बाद। अब जो थर्ड पॉइंट है जो मैं बात करूँगा वो है बेनिफिट्स के बारे में। अब बेनिफिट्स मतलब यूट्यूब के बेनिफिट्स में बात कर रहा हूँ। देखिए, 1K एक ऐसा मार्क है जो यूट्यूब का एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर मोनेटाइजेशन के पॉलिसीज भी आप देखोगे तो वहाँ पे 1K सब्स होना कंपलसरी है। वॉच टाइम है वो अलग बात है, बट 1K सब्स मेन है वहाँ पे कि आपके पास, आपके चैनल के ऊपर 1K सब्स होने चाहिए। तो ये एक मेन क्राइटेरिया है मोनेटाइजेशन के लिए भी। तो अगर और बेनिफिट्स की मैं बात करूँ तो यूट्यूब के कई सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि रिसेंटली अभी क्रिएटर्स कैंप हुआ था जिसमें मैं फ़र्स्ट टाइम गया था। वर्चुअल क्रिएटर कैंप था वो, एंड मुझे फर्स्ट टाइम चांस मिला था, इन्विटेशन आया था यूट्यूब की तरफ से, एंड ये एक अलग एक्सपीरियंस था, उसके बारे में बात नहीं करूँगा। बट ऐसे और भी इवेंट्स होते हैं जहाँ पे ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं। अब ग्रेटर कैंप की बात करूँ तो जहाँ पे वो एप्लीकेशन था वहाँ पे जो स्टार्टिंग सब्सक्राइबर्स का नंबर था वो था 1K। तो इसके ऊपर से आप समझ सकते हो कि 1K कितना इम्पोर्टेंट है। एंड अगर आपके पास आपके चैनल के ऊपर उतने सब्सक्राइबर्स है तो आप बहुत सारे इवेंट्स को अटेंड कर पाओगे जो ऑफिशियली यूट्यूब के इवेंट्स होते हैं, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। एंड ट्रस्ट मी, जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, भले ही वो वर्चुअल था बट ट्रस्ट मी वो बहुत अच्छा था। अगर वो फिज़िकली होता तो और मज़ा आता। दूसरा जो पॉइंट है वो है कम्युनिटी टैब। तो अभी 1K के बाद, पहले आपको 10K पे मिलता था, अभी यूट्यूब ने उसको शिफ्ट करके 1K पे लिया है। तो आपको यहाँ पे कम्युनिटी टैब मिलता है। कम्युनिटी टैब में आप अपने व्यूवर्स के साथ पिक्चर्स शेयर कर सकते हो, पिक्चर्स आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, एंड GIFs एंड बहुत कुछ आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो आपके सब्सक्राइबर्स के साथ। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है स्पॉन्सरशिप्स या फिर कोलैबोरेशंस। अब यहाँ पे 1K मैटर क्यों करता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको अगर रिव्यू प्रोडक्ट अगर चाहिए तो आप जब रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपके सब्सक्राइबर्स देखेगी, आपके व्यूज़ देखेगी। तो अगर सब्सक्राइबर्स आपके 1K के ऊपर हो या बहुत ज़्यादा हो तो आपको रिव्यू प्रोडक्ट मिल जाता है, बट अगर 1K के थोड़े कम हो तो आपको मिलेगा, बट फिर आपके चैनल पे हर एक वीडियो को तगड़े व्यूज़ आने चाहिए तभी आपको मिलेगा। बट मोस्टली कंपनीज देखती है कि हाँ मतलब सब्सक्राइबर्स थोड़े ज़्यादा हो। एंड मैं कोलैबोरेशंस की बात करूँ यहाँ पे, तो कोलैबोरेशंस अगर आप किसी क्रिएटर के साथ करना चाहते हो, अगर वो ऐसा क्रिएटर है जिसको सामने वाले के सब्स मैटर नहीं कर रहे, बस कंटेंट मैटर करता है, तो वो आपके साथ कोलैबोरेट कर लेगा। बट मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स ये देखते हैं कि आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं एंड उसके बेसिस पे ही कोलैबोरेशंस करते हैं। तो ये बेनिफिट्स है 1K के। एंड पर्सनली
ये गलत एक्सपीरियंस होता है, अब मैं आपको बता रहा हूँ बट शायद आपको नहीं समझेगा जब तक आप एज अ क्रिएटर वो अचीव नहीं कर पाते। एंड वो अचीव करना एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात है, एंड स्पेशली एक क्रिएटर को जिसने अभी अभी यूट्यूब स्टार्ट किया है, जो ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, उसके लिए एक मोटिवेशन है कि 1K क्रॉस करना। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिलेटेड 1K सब्सक्राइबर्स। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर ज़रूर करना उन क्रिएटर के साथ जिनको 1K सब्स पहुँचना है एंड उनको जानना है कि 1K के बाद क्या एक्सपीरियंस होता है यूट्यूब पे। सो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है वीडियो क्रिएट करने के लिए। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। गुड बाय।